जय हिंद दोस्तों, आप सभी का प्रवेश सर आपके लिए फिर एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर है। और ये रहा क्वेश्चन, चलिए दोस्तों देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, तो सेम वही 5 5 1 2 3 4 5, यानी फर्स्ट 5 आप ले लीजिए और फर्स्ट 5 यहाँ ले लीजिए। ओके, अब देखिए ए में अगर मैं 2 प्लस करूं तो कितना का मेरा 3 3 का सी, ई यानी 5 5 में 2 प्लस करूंगा तो 7 7 का जी, आर यानी 18 18 में 2 प्लस करूंगा तो T20, यानी कि अब क्या कर रहा है वो 2 2 प्लस कर रहा है, पिछले वाले में 1 1 प्लस किया था, इसमें 2 2 प्लस कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां देखते हैं 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट 5 ले लिया मैंने और ये फर्स्ट 5 ही ले लिया मैंने। ओ मेरा 15 15, यानी कि 15 15 में 2 प्लस करूंगा तो क्या होगा मेरा 17, और 17 पे मेरा क्या आएगा आपका Q यानी कि ये तो मेरा गया और ये भी मेरा गया। ओके, अब देखिए 15 यानी I मेरा 9 9 में 2 प्लस करूंगा तो कितना होगा मेरा 11 11, क्या आएगा मेरा K मेरा इसमें भी है और इसमें भी है, K मेरा इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद आता है मेरा R मेरा आता है 18 पर, 18 में 2 प्लस करूंगा 20, यानी कि मेरा T मेरा इसमें भी है और T मेरा इसमें भी है। ओके, उसके बाद आता है मेरा ई मेरा 5 5 में 2 प्लस करूंगा तो 7 7 पे मेरा क्या आएगा जी, तो जी मेरा यहाँ भी है और जी मेरा यहाँ भी है। उसके बाद देखिए 16 16 में 2 प्लस करूंगा तो 18 18 में मेरा क्या आएगा आर, तो आर मेरा यहाँ पर भी है और आर मेरा यहाँ पर भी है। ओके, यानी ये तो मेरा कन्फर्म हो गया। अब चेक करते हैं नेक्स्ट वन वाले को, उसने क्या किया हुआ है। यहाँ पर देखिए जी में 1 जोड़ा, जी में यानी जी 7 में 1 जोड़ा 8, एन में 1 जोड़ा था कितना हुआ आपका 15, यानी 14 में 1 प्लस 15, 9 में 1 प्लस किया तो 10, यानी कि अब क्या कर रहा है पहले इसने 2 जोड़े थे, अब इसने 1 1 जोड़ा लास्ट से, तो इसमें भी हम 1 1 जोड़ेंगे हम लास्ट से, तो यहां पर क्या दिया L का क्या होगा मेरे पास में M, तो इसका मतलब ये मेरे पास M होगा, ये भी मेरे पास M है। अब देखते हैं उसमें क्या दिया उसने M के बाद में A के बाद में होना चाहिए मेरे पास में B, तो ये रहा इसमें B, तो इसका मतलब ये भी है ऑप्शन मेरा गया, यानी कि ऑप्शन तो कहीं ना कहीं आंसर मेरा C करेक्ट हो सकता है, बट नन ऑफ दिस भी दिया तो इसे मैं आगे चेक करना पड़ेगा। ओके, C के बाद मेरे पास क्या D, यहाँ पर D भी है, I के बाद में मेरे पास क्या होगा J भी ठीक है मेरा, और यहाँ पर मेरे पास अगर D के बाद में E होगा, यानी कि आंसर तो मेरा कहीं ना कहीं क्या होगा मेरा C करेक्ट होगा। और ये रहा इसके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, और मिलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।